हेलो व्हाट्सअप का स्टूडेंट दिस सी हाउ टू कनेक्ट आवर रिडक्स विद रिएक्ट एप्लीकेशन तो फाइनली वो घड़ी आ गई है बिलीव में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां आज फाइनली आपको ये पता चल जाएगा कैसे कनेक्ट करना है तो गैस इट्स सुपर इजी बहुत सिंपल है एंड आई बिलीव में ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है सिर्फ दो ही स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है एंड दैट इज नंबर वन वी नीड टू इंस्टॉल द रिएक्ट रिडक्स एन पी एम पैकेज एक बात मैं बताना चाहूंगा कि रिडक्स को हम जैसे कनेक्ट करते थे विद आउट रिएक्ट एप्लीकेशन रिडक्स टूल किट को भी सेम हम कनेक्ट करते हैं विद आउट रिएक्ट एप्लीकेशन क्योंकि रिडक्स टूलकिट अपने आप में कोई एक अलग सा लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं है वो रिडक्स का एक हेल्पर फंक्शन है बेसिकली रिडक्स के अंदर का ही वो एक हिस्सा है एक अंश है डेट्स वाई जैसे रिडक्स में होता था आरटी में भी सेम वही तरीका है तो अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि रिडक्स में कैसे करते थे तो क्या सेम वही है बट आप देख लीजिए फिर भी बट जिनको नहीं मालूम तो आप जरूर कंटिन्यू कीजिए ठीक है तो आप देख सकते हो कि वी नीड टू हैव दिस एन इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स पैकेज इंस्टॉल इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन एंड देन हमारा जो एंटायर एप्लीकेशन uh, है रिएक्ट का उसको हमें रैप करना पड़ता है विद दी हेल्प ऑफ दिस प्रोवाइडर कंपोनेंट जो हमें आरटी के प्रोवाइड करता है बेसिकली रिडक्स प्रोवाइड करता है एंड उसके अंदर एक प्रॉप्स uh, है जो कि स्टोर नाम से कहलाता है वहाँ पर फिर हमें हमारा एक्चुअल स्टोर आर का जो एक्चुअल स्टोर है वो पास करना पड़ता है ठीक है तो uh, यहाँ चलते हैं सो लेट्स विथ रिडक्स uh, इस तरीके से ठीक है बाय द वे एन लिख दो आप ठीक है रिएक्ट रिडक्स एन इस तरीके से तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है तो uh, ये देख लीजिए ठीक है जस्ट आपको कॉपी करना है अपने प्रोजेक्ट पे आइए ठीक है वो भैया यहाँ पे आइए यहाँ पे आके आपको सिंपली एंटर हिट कर देना है तो इससे अब होगा ये कि आपका ये जो पैकेज है इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है एंड वंस इंस्टॉल हो जाता है आप वापस से इसको रन कीजिए फिलहाल मैं आपका जो है पैकेज डॉट जेस फाइल दिखाना चाहूंगा एंड वी हैव अ रिडक्स ओ भैया रियक्ट रिडक्स दिस वन यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इट्स नाइन पॉइंट वन पॉइंट टू ठीक है हालांकि इतना कोई मैटर करेगा नहीं सिंपल सा एक दो कंपोनेंट है खाली तो ये हो गया अब आपको आना आपका जो मेन डॉट जेस एक्स फाइल है बिकॉज यहीं पर तो आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन है ना पूरा का पूरा तो हम क्या करेंगे ये जो भी है यहां पे आके वी नीड टू हैव दिस प्रोवाइडर कंपोनेंट जो कि आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है रिएक्ट रिडक्स एंटर हिट कर दीजिए एंड मेक श्योर यहां पे आप देख सकते हो कि हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है यहां पे प्रोवाइडर है ना तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूं ठीक है सो वी हैव दिस ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग कंपोनेंट ऑफ प्रोवाइडर अब इसके अंदर वी नीड टू पास एंड प्रॉप्स जिसका नाम होगा स्टो बेसिकली प्रॉपर्टी भी आप कह लीजिए अब इसके अंदर आपको आपका जो मेन स्टोर है वो पास करना है यहां पे एक चीज बस ये ध्यान में रखिएगा कि स्टोर आपका सिर्फ एक ही बनता है आप मल्टीपल रिड्यूसर्स के स्लाइस क्रिएट कर सकते हो लेट्स से अगर ई e कॉमर्स होता तो रजिस्ट्रेशन का अलग लॉगिन का भी अलग बना दो प्रोडक्ट्स का अलग बना दो एड टू कार्ट अलग बना दो तो मल्टीपल स्लाइसेस को आप आ, ये जो रिड्यूसर मेन आपका रूट फंक्शन है उसके अंदर वन बाय वन आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का रिड्यूसर यहाँ पे लॉगिन का रिड्यूसर यहाँ पे एड टू कार्ट का रिड्यूसर यहाँ पे प्रोडक्ट का इस तरीके से अलग अलग बनाते हो बेसिकली बनाते हैं हम ठीक है बट स्टोर आपका एक ही रहता है स्टोर आपका एक ही रहता है ठीक है तो यही जो स्टोर है आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है इसको तो इसको अब मैं कॉपी कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे आऊँगा एंड वही स्टोर को मैं यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल एंड देन स्पेस तो आप देख सकते हो फ्रॉम स्टोर डॉट जेस हमने उसको इम्पोर्ट कर लिया है एंड हमने डायनेमिक डायरेक्टली एक्सपोर्ट लिखा डैट्स वाई हमने कल्ली ब्रेसेस के अंदर रखा अगर डिफॉल्ट होता तो इसकी आपको नीड नहीं पड़ती दिस इज इट आपको स्टोर को जो है इस तरीके से पास करना है एंड प्रोवाइडर कंपोनेंट में आपके एप्लीकेशन को रैप कर देना है अब आपका ये हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत इजीली ये अब आपका रैप हो चुका है आपका डेटा कुछ इस तरीके से ठीक है है अब अब एक चीज आई नो ये कैसे मुझे दिखाई दे रहा है, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा होगा ये क्योंकि आपने अभी तक एप डॉट जेस एक्स फाइल में ऐसा कुछ काम किया ही नहीं तो मैं अब आपको बताता हूं सो लेट्स को बिथ आवर एप डॉट जेस एक्स फाइल एंड डोंट वरी सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है कोई चिंता वाली बात नहीं है एंड रही बात आरटी के जो अभी हम देख रहे हो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ठीक है तो आप देख सकते हो कि इतना ही मैंने रखा है दिस इज आवर ऐप कंपोनेंट वी हैव अ कंटेनर एक टू डू एक एच वन वी हैव वन डीप जिसको मैंने रो में रखा है एंड फॉर्म है जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है एंड देन एक एड टास्क है तो सिर्फ इतना अगर होता है तो वो आपका ये एड टास्क एंड देन बेसिकली इनपुट फील्ड एंड देन आपका एड टास्क का बटन इनपुट फील्ड आपका एड टास्क का बटन ठीक है एंड ये जो आपको दिख रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सी एस एस एंड हमने डे वन में बताया था कि सीएसएस आप कैसे ऐड कर सकते हो देन वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट यू वेल जो कि यहां पे आपको दिखेगा जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा ठीक है तो कोई टेंशन नहीं है बट ये जो पार्ट है इसको चाहो तो आप पॉज कर लो एंड इसको आप डिट टू टाइप करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो नहीं तो सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ आप जरूर चेकआउट कीजिएगा बट आज जो मेन था वो ये था कि कैसे आप आरटी को अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो मैंने दिखा है कि एक पैकेज आपको लगेगा एंड देन प्रोवाइडर कंपोनेंट आपको रैप कर देना है एंड स्टोर जो है आपका एक्चुअल स्टोर वो एज अ प्रॉप बेसिकली वैल्यू पास कर देना आपका जो भी स्टो है I hope वीडियो बहुत ही पसंद आप में से कितनों का यह सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ या नहीं ठीक है एंड ये बताना चाहूंगा कि गाइस वी आर वेरी क्लोज टू सेवन लैक्स सब्सक्राइबर एंड देखिए मैं सारा सोर्स कोड आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ गाइस मुझे मोटिवेट कीजिए मुझे जरूरी भी है उसकी तो अभी तक गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों के साथ भर भर के से एंड सेवन लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड रेड साइड में एक रेड कलर का, का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोज़ को मिस ना करें सो गाइस मिलता हूँ कल की वीडियो में ट्रिलन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर